नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सुरेश टेक फ्यूचर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के स्टूडियो हम बात करने वाले हैं MIUI के लेटेस्ट बिल्ड के अंदर में पबजी के सडन क्रैश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पबजी खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि कई दफ़ा आजकल नए रोम के अंदर में जो है पबजी अपने आप से बंद हो जा रहा है, क्रैश हो जा रहा है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पबजी ने एक नया अपडेट लाया था जिसके अंदर में था कि रूटेड फ़ोन के अंदर में वो जो चिट कोड के जरिए जो भी चीज़ें हम कर लेते हैं उसको बंद करने का ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही आप अगर आप अपने फ़ोन के अंदर में मैजेस की इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में मैजेस की इंस्टॉल्ड है, तो क्या होता है कि पबजी खेलते खेलते में अचानक से वो सडनली क्रैश कर जाता है, बंद हो जाता है। मतलब उसको डिडक्ट हो जाता है कि मैजेस है रूटेड है, इसलिए वो बंद हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे बचने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले तो आपको जो है मैजेस के अंदर में जाना है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैजेस नहीं है। अगर अब मैं आपको ऐप के अंदर में भी दिखाऊं तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास में मैजेस मैनेजर कहीं नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे एक ऐप का नाम है सूरज, देख सकते हैं। तो ये जो सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ किस तरीके से इसको करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है मैजेस के हाइडी में, उससे भी पहले आपको जाना है डाउनलोड ऑप्शन में। डाउनलोड ऑप्शन में जाने के बाद में आपको क्या करना है, डाउनलोड मैजेस के हाइड प्रॉप कॉन्फ़िग डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मॉड्यूल के अंदर में। ये देखिए मैजेस के हाइड प्रॉप कॉन्फ़िग आपको ये डाउनलोड करना है और इसके इंस्टॉल करना है। ये देखिए अब टिक हो गया, तो इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। इसके बाद में आपको दूसरा ऑप्शन पे क्या जाना है, मैजिस के हाइड के अंदर में जाना है। मैजिस के हाइड के अंदर जाएंगे, आप सर्च कीजिए पबजी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पबजी जब आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है। जैसे आपने टिक कर दिया तो मतलब कि आपको ये हाइड हो गया, लेकिन अभी भी फिलहाल ये काम ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। इसके बाद में आपको जाना है सेटिंग के अंदर में। आजकल क्या कर रहा है, जितने भी मेन एप्लीकेशन है वो क्या करता है, सर्च करता है हमारे फ़ोन के अंदर में ऐप का नाम, मैनेजर मैजेस किस तरीके से। अगर उसको वो ऐप मिल गया तो वो जो है आपको ब्लॉक कर देगा, मतलब कि आप जो है वो रूटेड फ़ोन यूज़ कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसे या सबसे पहले आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ आपको होगा एक मैजिस्क हाइड, अब इसको एक्टिवेट कर देना। जैसे आप इसको मैजिस्क हाइड को एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास में एक और ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको होगा नेमिंग करने का ऑप्शन, ठीक है। तो ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैजिस्क के आप सेटिंग के अंदर में जाएंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सेटिंग के अंदर में जाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो सबसे पहले तो मैजिस्क हाइड को आपको सेलेक्ट करके एक्टिवेट कर लेना है। दोबारा आपको क्या करना है, एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे हाइड मैजिस्क मैनेजर, ये देखिए इस पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको जो मर्जी है वो नाम आप लिख दीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूँ ये जो सो दो अलग अलग वीडियो है, ये मैंने दूसरा रोम डालने के बाद में मैजिस्क डाला है फिर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें ये चीज़ मिल नहीं रहा था मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुका था। यहाँ पर जैसे ही आप इसको डिजाइन नेम डालेंगे तो जैसे एस यो ए जे, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया सूरज नाम डाल दिया और इसके बाद में मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद में क्या होगा कि आप जब इसे बंद करेंगे तो क्या होगा कि ये मैजिस मैनेजर से हटेगा और फिर उसके बाद में जो सूरज के नेम से ये रे आ जाएगा। तो आप देख लीजिए ये जो अब मैजिस मैनेजर हट के ये सूरज बन गया। तो अभी क्या होगा कि पबजी या फिर जैसे गूगल पे हो गया, फिर कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि इसको डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, मैजिस मैनेजर डिडक्ट नहीं कर पाएंगे और फिर आप आसानी से आराम से गेम खेल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है या आप करके देख लीजिए, आपका जो सो पबजी बंद क्रैश होना बंद हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है और आपको ये यूज़ करना चाहिए। इसके जरिए आप जैसे काफ़ी सारे बैंक ऐप्स हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, इन सभी चीज़ों को से भी हाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो सब भी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में ये आपको पेमेंट नहीं करने देते। ओके, तो दोस्तों आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब। मैं रोजन आपके लिए नया वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम, कीप स्माइलिंग।